बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजीन, फिर हम कराची की बात करते हैं। एक हफ्ता तो अमन रहा, चार दिन के बाद एक बार फिर कराची शहर में टारगेट किलिंग्स का सिलसिला मलीर के इलाकों में शुरू हो चुका है। और इस हवाले से अगर हम बात करें, आज ही के रोज तकरीबन 13 के करीब जो है हलाकतें हो चुकी हैं। कौमी असेंबली और सेनेट का जो इजलास बुलाया गया था, अपोजिशन ने रिक्वेस्ट किया था ये इजलास, उनकी दरखास्त पर यह इजलास बुलाया गया था, लेकिन हमने देखा कराची जैसे अहम मसले पर इसमें डिबेट नहीं हो सकी और अराकीन की अदम तवज्जो का ये शिकार रहा इजलास। सेनेट में तो कोरम पूरा नहीं हो सका और नेशनल असेंबली की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे भी कराची के मामलों पर हमें कोई बड़ी डिबेट वहां पे नजर नहीं आई। लेकिन अगर हम जिक्र करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, जो कि लंदन के एक निजी दौरे से जब वापस आए तो तकरीबन आज 3 साल बाद उनको याद आया कि 3,310 अफराद की जो हलाकत हुई है कराची में, उसके बारे में ईवान को कोई रिपोर्ट जो है पेश की जाए। उम्मीद तो ये करते हैं कि ये रिपोर्ट पेश की जाए और इस रिपोर्ट पर एक्शन भी लिया जाए, लेकिन लगता तो कुछ हमें ऐसा नहीं है कि कराची के मसले का हल जो है सामने आएगा। बात करते हैं रहमान मलिक, जो कि वफाकी वजीर दाखिला हैं। कराची में जब भी इस तरह का सिलसिला शुरू हो जाता है तो वो भागे भागे वहां पर पहुंच जाते हैं, इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश करते हैं और कुछ उसके बाद हमें लगता है ये सिलसिला थम जाता है। लगता कुछ ऐसे है ये कराची के आवाम का मसला नहीं, सिर्फ सियासी जमातों के आपस के इत्तेहाद का हमें कराची में अमन की अगर हम बात करते हैं तो ये मसला हमें नजर आता है। आवाम के साथ ऐसा मजाक क्यों किया जा रहा है, आज पे प्रोग्राम में इसी पे हम बात करेंगे। और जब असेंबली इजलास के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर भी इस मौके पर मौजूद नहीं थे। अपोजिशन लीडर की बात करें तो वो भी मुल्क से बाहर थे, जबकि अपोजिशन जमातों ने सिर्फ इरकाफ लीग और मूनस अलाही को जो है जेरे बहस बनाया। असेंबली इजलास के हवाले से अगर हम बात करते हैं, कराची में अब तक जो हलाकतें हो चुकी हैं 2001 से अगर इसका हम आगाज करें, गवर्नर इशरत उल इबाद साहब जब से गवर्नर भी हैं, तकरीबन 4,495 अफराद जो हैं अब तक हलाक हो चुके हैं। और 2008 से अगर हम बात करते हैं तो अब तक 3.5 साल में 3,310 अफराद जो हैं वो इस वक्त हलाक हो चुके हैं। लेकिन दूसरी जानब हुकूमत के इतिहादी माजी में रहने वाले MQM, जो कि उनके गवर्नर साहब भी दोबारा वापस आ चुके हैं, उनके भी कुछ मुतालबात हैं जिन पे अगर हम बात करते हैं कि जो पीपल्स पार्टी ने इस वक्त तक मान लिए। कश्मीर के इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो 2 सीटें ये वादा पूरा हो गया, गवर्नर का इस्तीफा वो वापस ले लिया गया। जुल्फिकार मिर्जा साहब के हवाले से हम बात करते हैं, चुप तो हो गई लेकिन सीनियर सूबाई वजीर भी वो बन चुके हैं। अपोजिशन को नशिस्तें अगर हम बात करते हैं, अपोजिशन की नशिस्तें उनको मिल भी गई और रजा हारून को जो है अपोजिशन लीडर भी वहां पे बना दिया गया। कमिश्नरी निजाम पे कहा जा रहा है कुछ मफामत हो गया दूसरी दोनों सियासी जमातों के हवाले से। और बल्दियाती इलेक्शन में गवर्नर सिंह जो है पीपल्स पार्टी से मुजाकरात का उनको इख्तियार दे दिया गया। हल्का बंदियों के हवाले से कहा जाता है जब भी होंगी MQM की मुशावरत और मर्जी से की जाएंगी। ये तो थे कराची के मसाइल इश्यूज और MQM को किन मसले मसाइल पर मनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा और अहम और तवज्जो तलब मसला कराची के टारगेट किलिंग का है, वो कब रुकेगा, अवाम के साथ ये मजाक कब बंद होगा और क्या सियासी जमातें फिर किसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होंगी, या फिर ये कराची के अवाम को ये मसला जो है आए दिन ये इस पर लगता कुछ ऐसे ही है कि सियासत भी होती रहेगी। इसी पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ।